सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक पर समर्थन हासिल करने की अपनी मुहिम में आज सवेरे चेन्नई पहुंचे। उन्होंने यूपीए सरकार से लोकपाल विधेयक को संसद के चालू सत्र में ही पास कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो अन्य दल भी उसका समर्थन करने में पीछे नहीं रहेंगे। श्री हजारे चेन्नई रवाना होने से पहले बेंगलुरु हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और राज्य की मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी की एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को विभिन्न वर्गों के लोगों ने जो जनसमर्थन दिया था वे उन सब पर खरी उतरी हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने भी पूरी निष्ठा से राज्य के विकास के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस व बीजेपी एवं समाजवादी पार्टी आदि की संकीर्ण व स्वार्थी राजनीति को पूरी तरह से नकार कर सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 71 विकल्प के रूप में बना। अब 18 वर्ष के बाद पहली बार एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका हमारी पार्टी को यहाँ की जनता ने दिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में तीर्थियों भरी बस नदी में जाने से कम 12 की हो गई। इनमें 6 महिला और एक बच्चा शामिल है। इस दुर्घटना में 20 अन्य लोग घायल हैं जिन्हें रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये दुर्घटना कल रात उस समय हुई जब हरियाणा में एक धार्मिक उत्सव में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस गदरपुर क्षेत्र में भारी कोहरे के कारण नहल नदी में गिर गई। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।